पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार है, 12 भाषा परिवार है पूरे विश्व में। कि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, बात करते हैं विश्व की, तो इसमें 12 भाषा परिवार है पूरे विश्व के अंदर। अगर हम भारत की बात करें, जबकि भारत में चार भाषा परिवार है, भारत में चार भाषा परिवार पाए जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जी, भारत में चार भाषा परिवार पाए जाते हैं जी। कौन कौन से भारत वाले, मैं आपको नोट करता हूं। नंबर एक आता है भारत में भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार नंबर एक पे आता है, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरे पे आता है द्रविड़ भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार दूसरे पे आता है, द्रविड़ भाषा परिवार। नंबर तीन पे आता है ऑस्ट्रिक चिनी ग्रुप, और नंबर पे चार पे आता है तिब्बती चीनी ग्रुप। ये है चार भाषा परिवार। जबकि अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये टोटल बोला जाता है 73%, ठीक है। इसमें जुड़ा है ये भारत प्लस यूरोप से जुड़ा है भारोपीय, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, भारोपीय जो भाषा परिवार है इसमें बोली जाती है जैसे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और मध्य भारत में ये भाषा बोली जाती है। इसके अंदर जो हिंदी भाषा है वो इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है, ये 25% दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत में बोला जाता है ये, ध्यान देना। इसमें कौन कौन सी भाषा आती हैं, इसमें आती है मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, ये भाषा। और इसमें बोली जाती है अक्सर हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, आपको पता है भारत में, ठीक है। यहां पे ये बात ध्यान रखना थोड़ा। अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, ये टोटल 2% बोली जाती है अंग्रेजी भाषा है। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा। तो ध्यान रखना, अगर विशेष पूछा जाए आपको, भारत में दो भाषा परिवार आपके सामने विशेष हैं, भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार 73% बोला जाता है भारत में, और द्रविड़ भाषा परिवार है वो कितने प्रतिशत बोला जाता है? 25% द्रविड़ भाषा परिवार बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक चीज, आपको नोट करके विशेष भी कह सकते हो, विशेष रूप से आपको याद करनी है। जो भारोपीय भाषा परिवार की जो देन है, भारोपीय भाषा परिवार भारत में देन किसकी मानी जाती है? देन आर्य लोगों की मानी जाती है, आर्य 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 लोग, आर्य लोग लेकर आए थे, ठीक है। आर्य लोग की देन मानी जाती है, ध्यान देना ये चीज। अगर आपसे पूछे कि आर्य लोग कहां से आए थे, आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया। जो आर्य लोग हैं
इन्होंने मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया था। कुछ लोगों का मानना है, कहीं किसी का मानना है कि इनका प्रवेश जो तिब्बत से हुआ था, किसी का कहीं से प्रवेश माना जाता है, कोई विद्वान कहीं से प्रवेश माना जाता बता रहे हैं। तो आर्य लोगों का जो प्रवेश कहाँ से हुआ था, मध्य एशिया से भारत में आए थे। आर्य लोगों ने सबसे पहले ध्यान रखना कौन सी भाषा चलाई थी, ब्राह्मी लिपि चलाई थी। कौन सी चलाई थी, ब्राह्मी लिपि चलाई थी इन्होंने। और ब्राह्मी लिपि के साथ साथ ही इन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया था, संस्कृत भाषा का विकास किया। आपको ये चीज नोट करनी है, आर्य लोगों ने ब्राह्मी लिपि चलाई थी, संस्कृत भाषा का विकास किया, ये रखना याद। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सभी सबसे प्राचीन भाषा पूछे, सबसे प्राचीन प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है, ध्यान रखना। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है। और सबसे प्राचीन भाषा होने के कारण, क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, और सबसे प्राचीन भाषा होने के कारण संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, ये वाली लाइन अक्सर एग्जाम में आती है, सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी किसको कहते हैं, संस्कृत भाषा को कहते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद करना है। अब हम आगे संस्कृत भाषा पर आ गए, ठीक है। अब संस्कृत भाषा अपने यहाँ पर चलने लगी थी, विश्व के अंदर संस्कृत भाषा का विकास हुआ था, भारत में भी संस्कृत भाषा बोली जाने लगी थी। अब हम बात करते हैं आगे, लोगों को यहाँ पर संस्कृति जो संस्कृत भाषा है बोलने में बहुत कठिनाई हो रही थी, तो संस्कृत भाषा के चार पड़ाव निकाल दिए, चार भाग निकाल दिए संस्कृत भाषा के। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो ये आपने एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब हम आके बात करते हैं संस्कृत भाषा, सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत भाषा के चार पड़ाव निकले थे, यहां पर लिखता हूं मैं संस्कृत भाषा। तो सबसे प्राचीन भाषा हो गई, आपको बता दिया मैंने, सबसे प्राचीन भाषा है, प्राचीन ही भाषा है आपकी। और इसके ना चार पड़ाव निकले थे संस्कृत भाषा के। नंबर एक निकला था आपका वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत भाषा। उसके बाद निकला था नंबर दो पे, हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। नंबर तीन पे करते हैं पाली व प्राकृत संस्कृत भाषा। नंबर चार पे आता है आपका अपभ्रंश या इसी को बोलते हैं सौर सैनी, सौर सैनिक या सौर सैनी भी कहते हैं, सौर सैनिक संस्कृत भाषा। ये चार पड़ाव संस्कृत भाषा के आपके निकले थे, क्योंकि लोगों को संस्कृत बोलने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी, तो यहां पर चार भागों में संस्कृत भाषा को बांटा गया। तो पहले आता है वैदिक संस्कृत, क्योंकि संस्कृत भाषा चली थी उसमें सबसे पहले आई थी वैदिक संस्कृत। और जो वैदिक संस्कृत चली थी वो चली थी 500 ईसा पूर्व से, सॉरी 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक ये भाषा चली थी संस्कृत भाषा। और जो वैदिक संस्कृत जो भाषा लेके आए थे वो कौन लेके आए थे, आर्य लोग लेके आए थे, आर्य लोग। और जो कि मैंने पहले बता दिया कि आर्य लोग कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। इसी समय किसका विकास हुआ था, वेदों का विकास हुआ, वेदों का विकास माना जाता है,
माना जाता है। इसी समय वेदों का विकास है वो किस संस्कृत भाषा के समय माना जाता है, वैदिक संस्कृत भाषा के समय ही माना जाता है। अब ये जो भाषा है ना वैदिक संस्कृत भाषा, लोगों को बोलने में कठिनाई, समझने में कठिनाई हो रही थी, तो यहाँ पर लोगों ने इस भाषा को नकार दिया या मना कर दिया कि ये भाषा हमें बोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। कौन सी? वैदिक संस्कृत। उसके बाद क्या दूसरी भाषा कौन सी लेके आए? लौकिक संस्कृत भाषा लेके आए। ये हमारे जो लोग हैं इसके आधार पर लेके आए थे लौकिक संस्कृत, और ये चली थी आपकी 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये भाषा चली, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चले। इसमें भी लोगों ने इस भाषा को मना कर दिया कि ये भाषा भी हमें समझ में नहीं आ रही है, इसकी जगह कोई दूसरी भाषा का विकास कीजिए ताकि हम बोलने पढ़ने में थोड़ी आसानी लगे, हमारे जीवन में थोड़ी शांति मिले, आसान महसूस करें हम। तो यहाँ उसके बाद आई पाली व प्राकृत भाषा। ये जो भाषा आई थी 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक ये भाषा चली थी। कौन सी? पाली व प्राकृत भाषा। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके जीके के बनते हैं, ध्यान देना, हिंदी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं जबकि आपके जीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पाली भाषा है, इसके जो गुरु माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं, इसके प्रमुख माने जाते हैं, वो माने जाते हैं महात्मा बुद्ध को माना जाता है। किसको? महात्मा बुद्ध को माना जाता है पाली भाषा के। और प्राकृत भाषा के जो विद्वान हैं, प्रमुख हैं, जिनकी प्रमुख भाषा है प्राकृत भाषा, वो है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थ जैन, कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। तो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ पाली भाषा का संबंध किससे है, आपको ध्यान रखना है महात्मा बुद्ध से है। किससे है? महात्मा बुद्ध से संबंध है। और अगर हम बात करते हैं प्राकृत भाषा का संबंध की बात करें, प्राकृत भाषा किससे है? महावीर स्वामी से है, ध्यान रखना ये चीज। जो 24वें क्या है? जैन तीर्थ है, 24वें जैन तीर्थ है। और किस धर्म से है? जैन धर्म से है। अगर धर्म पूछे आपसे कौन सा है? जैन धर्म है, ठीक है। और ये किससे है? बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म। यहां पर ये चीज आपको अच्छे से याद करनी है। इस दोनों भाषाओं का विकास काफी गतिशील हुआ, लोग रुचि रखने लगे, परंतु कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद इस भाषा को भी लोगों ने मना कर दिया कि ये भाषा हमें समझ में नहीं आ रही, पाली वाली और प्राकृत वाली, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की भाषा भी समझ में नहीं आई इनको, लोगों को। उसके बाद क्या किया, जो संस्कृत भाषा के चौथा पड़ाव निकला था अपभ्रंश भाषा, जिसको आप सौर सैनिक भाषा कहते हो, इसी भाषा से ये चली। ये भाषा कब आई आपको बता देता हूँ, 500 ईसा ईस्वी तक चली थी। अब इस ये जो भाषा चली थी अपभ्रंश भाषा, लोगों ने कहा ये तो सबसे भ्रष्ट भाषा है भाई, हमें समझ में नहीं आ रही, तो अपभ्रंश भाषा है सबसे भ्रष्ट भाषा मानी गई थी। इन तीनों के अलावा जो सबसे भ्रष्ट भाषा मानी गई थी कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, दूसरे पे लौकिक संस्कृत, तीसरे पे पाली व प्राकृत संस्कृत भाषा, चार पे अपभ्रंश भाषा। अब भी लोगों ने इसको सबसे भ्रष्ट भाषा का दर्जा दे दिया, कौन सी? अपभ्रंश भाषा या सौर सैनिक भाषा, सबसे भ्रष्ट भाषा, इसको नकार दिया लोगों ने। अब यहां से किसका विकास हुआ? बोली का विकास हुआ। किसका हुआ? बोली। और इसी भाषा से, ध्यान रखना, इसी भाषा से किसका विकास माना जाता है? विकास की बात करें हिंदी का विकास, तो हिंदी का जो विकास है, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, हिंदी का विकास कहाँ से माना जाता है? अपभ्रंश भाषा से माना जाता है, ध्यान रखना, हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से संस्कृत भाषा से माना जाता है। अपभ्रंश संस्कृत भाषा से माना जाता है, ये ध्यान रखना आप थोड़ा।
जो हिंदी का विकास है ना वो किस भाषा से का दर्जा रूप है, अपभ्रंश वाला। देखो ये तो सभी जानते हैं, जो हिंदी कहाँ से निकल के आई है, संस्कृत भाषा है। अरे भाई सिंपल सी बात है, सभी भाषाओं की जो जननी है वो किसको कहते हैं, संस्कृत भाषा को कहते हैं। जबकि आपसे बात करें कि हिंदी जो का विकास हुआ है संस्कृत भाषा का, किस रूप से हुआ है, किस भाग से हुआ है, किस पड़ाव से हुआ है, तो ध्यान रखना किससे हुआ है, अपभ्रंश भाषा या सौर सैनिक भाषा, सौर सैनिक संस्कृत भाषा से हुआ है, इतना ध्यान रख लेना आप, ठीक है। उसके बाद चले आगे, उसके बाद आते हैं जी हम जो भाषा के जो निकल के आई हिंदी, तो हिंदी की निकल के आई, इसके साथ आई बोलियां, बोली निकल के आई थी अपने क्षेत्र के विषय, अपने निजी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं बोली, सबसे पहले हम करते हैं बोली, बोली किसे कहते हैं। देखो बोली, अगर हम बोली कहते हैं अपना जो क्षेत्र है, ठीक है, हम सपोज करो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, या फिर हम किसी अपने डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अपने निजी क्षेत्र में, अपने स्थानीय क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो आप कह सकते हो अपनी शॉर्ट लाइन में, अपने स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, बोली कहते हैं। अब ध्यान देना, बोली को हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया, पांच भागों में। बोली के अगर हम बात करते हैं प्रकार कितने हैं, बोली के कितने प्रकार हैं, पांच प्रकार हैं जी। नंबर एक की बात करते हैं पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ये हमारी बोली है, पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं हम, पश्चिमी हिंदी है नंबर एक। देखो दूसरे के बाद है पश्चिमी के बाद पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। उसके बाद नंबर तीन पे अगर हम बात करते हैं यह पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी हो गया। उसके बाद नंबर चार पे आता है आपका राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। उसके बाद आता है जी आपका पांच नंबर पे आता है बिहारी हिंदी, सबसे प्यारी बिहारी हिंदी, ठीक है, ये हमारी हिंदी है। ध्यान देना, बोली को हमने पांच भागों में विभाजित किया है, ठीक है, जो हमारे स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा वो कहती है, हमारी बोली कहलाती है। जैसे आपके क्षेत्र के उस बागड़ क्षेत्र में आ जाती है तमिल तेलुगु, अपने वो निजी क्षेत्र में हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, बोलने का तरीका होता है उसे बोली कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पश्चिमी हिंदी, तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से थे, कब 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 है, ये मैंने बना दिया कब कब है। तो ये पांचों कहाँ पे बोली जाती हैं, पश्चिमी हिंदी में। कैसे देखो कौन से हो, कन्नौजी, कन्नौजी भाषा हो गई बोली, वैसे हो गई बुंदेली, कौन सी हो गई बुंदेली, उसके हो गई कैसे होगी कोरवी हिंदी, कोरवी भाषा होगी, और वैसे होगी वज्र भाषा, वज्र होगी, और ऐसे होगी हरियाणवी, हरियाणवी हिंदी हो गया, हरियाणवी बोली भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। और आपका एक बार एस्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें हरियाणवी ना देके उसने दिया था जाटू भाषा, जाटू भाषा, क्योंकि हरियाणा में है ना जाट प्रसिद्ध है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, जाटो भाषा दे दिया। ध्यान देना थोड़ा सा, तो इसमें देखो कौन सी है, पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, कोरवी, वज्र और हरियाणवी जो भाषा, ये किसमें आती है, पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है। उसके बाद आता है पूर्वी हिंदी के बाद, पूर्वी की बात करें इसमें आएगा बघेली, बघेली, उसके बाद छत्तीसगढ़ी, छत्तीस गड़ी, उसके बाद अवधि, ये चीज इसमें आती है, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बात करें बघेली,
छत्तीसगढ़ी और अवधी जो भाषा है ये किस में आती है, पूर्वी हिंदी के अंदर बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी की बात करें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ध्यान रखना पहाड़ी हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है इसमें बोलियों के अंदर। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो एक मंडियाली मंडियाली भाषा, और ये मंडियाली बोली जाती है आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और एक बोली जाती है कुमाऊनी, कुमाऊनी बोली है कुमाऊनी। और एक दूसरी है इसके साथ गढ़वाली, गढ़वाली ये दोनों की दोनों कहाँ पे बोली जाती है, उत्तराखंड राज्य में बोली जाती हैं। दोनों कहाँ बोली जाती हैं, उत्तराखंड। तो ध्यान रखना पहाड़ी हिंदी की बात करें मंडियाली, मंडियाली की बात करते हैं मंडियाली बोली जाती है हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, और कुमाऊनी और गढ़वाली है ये बोली जाती है उत्तराखंड स्टेट के अंदर। ठीक है, वहां पे पहाड़ी है जो मंसूरी की पहाड़ी आपने सुना होगा मंसूरी, ठीक है वहां पर। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो यहाँ पे होती है नंबर एक तो अब मेवाती हिंदी, मेवाती। दूसरी है हाड़ोती, हाड़ोती। तीसरी है यहाँ पे मारवाड़ी, मारवाड़ी। और चार पे यहाँ पे जयपुरी, कौन सी है जयपुरी। ये भाषा किस में बोली जाती है, राजस्थानी में बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद बिहारी हिंदी की बात करते हैं हम, बिहारी हिंदी की बात करते हैं मैथिली, इसमें बोली जाती है मैथिली। उसके बाद बोली जाती है इसमें भोजपुरी, कौन सी भोजपुरी। ये किस में बोली जाती है, इसी के अंदर जाती है बिहारी हिंदी के में बोली जाती है ये। अब देखो आपको है ना सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने बता दिया ये बोली जाती है। एक भी मैथिली के नाम से कवि आते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा मैथिली के नाम से कवि आते हैं मैथिली शरण गुप्त। वो किसके कवि हैं, बिहारी ससई, बिहारी हिंदी के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त के नाम से सुना होगा ना आपने, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त आपने सुना होगा ये नाम। ठीक है, तो ये किस कवि के हैं, बिहारी हिंदी। अब देखना पश्चिमी हिंदी कन्नौजी बुंदेली ये ध्यान रखना, पूर्वी बघेली छत्तीसगढ़ी अवधि है, पहाड़ी इंपोर्टेंट फिर बता रहा हूं मैं आपको, पहाड़ी हिंदी मंडियाली कुमाऊनी गढ़वाली उत्तराखंड राज्य में। राजस्थानी, राजस्थान के लोग बहुत प्यारे होते हैं आपने देखा होगा। राजस्थान के लोग अगर आप कहीं पर राजस्थान में विजिट करते हो जाते हो तो वहाँ पर आपकी इज्जत बहुत अच्छे करते हैं। अगर वहाँ पर जाओगे तो आपके वहाँ पर आगे भी जी लगाएंगे पीछे भी जी लगाएंगे, आओ जी खाओ जी पियो जी नहाओ जी, ठीक है बैठो जी, ठीक कैसे हो जी, ठीक कैसे हो जी, है ना। तो ये राजस्थान वाले हैं ना इनकी मधुर आवाज़ होती है, इनके हर शब्द के पीछे ना एक जी जरूर लगता है, बहुत अच्छी बात है ये। एक बिहारी हिंदी देखो, ये बिहारी हिंदी की बात करें अपने क्षेत्र के अंदर, राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, बिहार जो स्टेट है वहाँ से लोग आते हैं। जब हमारी फसल की कटाई होती है तब तो वहाँ से जब लोग आते हैं, इनकी जो भाषा उतनी मधुर होती है कि आप वो लड़ाई भी करते हैं ना तो आपको ये लगेगा कि ये लड़ाई नहीं कर रहे केवल बात कर रहे हैं। आपको लड़ाई कब लगेगा, जब वो अपने हथियार लेके आएंगे ना, जैसे दराती हो गया बाकड़ी हो गया जो फसल काटी जाती है, उनके आधार पर लगता है कि हाँ ये अब लड़ाई के मूड में है। तो इनकी जो भाषा है ना भाई साहब, इनकी भी बहुत खतरनाक भाषा है ध्यान रखना। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने ना बता दिया पहाड़ी हिंदी बता दिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई आगे, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी हिंदी है। हिंदी क्या हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा। तो देखो ध्यान देना इसमें काफ़ी बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाता है और हम डाउट में फंस जाते हैं वहीं पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना मैं यहाँ पे नोट बना के लिख रहा हूँ आपके सामने नोट। ठीक है, ये कोई विशेष चीज़ है ध्यान रखना ये वाली बात। लिखो, हम बात करते हैं हिंदी को, हिंदी लिखो हिंदी भारत की, हिंदी भारत की राजभाषा है, राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है ध्यान रखना, केवल राजभाषा है राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, लिखो इसमें है
हिंदी, हिंदी को भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को, 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया, ये ध्यान रखना। तथा हिंदी की लिपि देवनागरी रखी गई। 14 सितंबर 1949 को जो हमारी राजभाषा है वो किसको बनाया था? हिंदी को बनाया था। और हिंदी की लिपि किसको बनाया गया था? देवनागरी को हिंदी की लिपि बना दिया था, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये वाली बात ध्यान रखना अच्छे से। अगर अब हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो आर्टिकल 343, उसमें संघ की भाषा का वर्णन किया, और हमारी राजभाषा क्या है? हमारी हिंदी है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम बात भारतीय संविधान में अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8। आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं का पहले वर्णन किया गया। जो वर्तमान में 14 भाषाओं से बढ़कर 22 भाषा हो गई हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है, ध्यान रहना थोड़ा। हमारे मूल संविधान में अगर बात करें, यहाँ पर देखना थोड़ी थोड़ी लॉजिक है। मूल संविधान में हमारे अनुसूची की बात करते, कितनी थी? 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? 8। और आठवीं जो अनुसूची, इसमें कितना किसका उल्लेख था? भाषाओं का उल्लेख था। आठवीं जो अनुसूची, लास्ट जो अनुसूची थी, उसमें किसका उल्लेख था? भाषाओं का। और उस समय हमारे पास कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। और वर्तमान में अनुसूची कितनी? हमारे पास 12 अनुसूची है वर्तमान के अंदर। ठीक है, और मूल संविधान में कितनी थी? हमारे पास अनुसूचियां 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में आपके पास कितनी भाषा है? 22 भाषा है। और देखो, 22, ये 14 याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, केवल आपको जो वर्तमान में 8 भाषा कराऊंगा वो अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। 8 भाषा जो होती हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वही भाषा आपके एग्जाम में बार बार दौड़ते हैं। तो देखिए, ये आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा वैसे, ठीक है ना, यहां से ध्यान रखना थोड़ा। अब हम बात करते हैं जो ये जो 8 भाषा है ना, वो कौन कौन सी जोड़ी गई थी, वो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि 8 भाषा सी कौन कौन सी थी जो हमारे संविधान के तहत जोड़ी गई थी, संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अब देखो, 14 भाषाएं थी मूल संविधान में 14 भाषा थी। अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में
भाषा कितनी आपके पास? जी 22 भाषा है हमारे पास। बहुत अच्छी बात है जी, 22 भाषा है आपके पास, बिल्कुल राइट है। अब जी 22 भाषा हुई कैसे? भाई 14 थी आपके पास, क्लियर। अब ये भाषा 22 हुई कैसे, आपको ये ध्यान देना है। देखो, एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी? 1967 के तहत, तहत कौन सी भाषा जोड़ी? सिंधी भाषा जोड़ी थी जी हमने। कौन सी भाषा जोड़ी? सिंधी भाषा जोड़ी गई, ये ध्यान रखना, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी थी? सिंधी भाषा जोड़ी थी। भाई 14 थी, 14 और 1 कितनी हो गई? 15 हो गई। उसके बाद होता है जी आपका 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन होता है, और ये जी होता है आपका 1992 के अंदर होता है। 1992 में के तहत तीन भाषा जोड़ी थी। इसका ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, नमक, तीन भाषा, नए से हो गया नेपाली, नेपाली भाषा जोड़ी, मैं से हो गया मणिपुरी, मणिपुरी, वो कैसे हो गया कोंकणी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई, भाषा जोड़ी गई। ये तीन भाषा है भाई, 14 भाषा थी, यहां पे कितनी हो गई? सिंधी जोड़ थी 15, और 15 में तीन भाषा जोड़ी, 15, 16, 17, 18, ठीक है, तीन भाषा जोड़ गई तो कितनी हो गई आपके पास? 18 भाषा हो गई। अब भी चार भाषा आपके पास पेंडिंग पड़ी है, तो यहां पर 1992 तक हमारे पास कितनी भाषा थी? 18 भाषा थी। उसके बाद आता है जी आपका 91वां हुआ संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन होता है, और 91वां संविधान संशोधन, सॉरी 91 नहीं, 92वां संविधान संशोधन 2003, 2003 ईस्वी लगा लेना साथ साथ आप यहां पे ईस्वी, 2003 ईस्वी के तहत चार भाषा जोड़ी गई थी, ध्यान रखना, बोडो, बोडो, संथाली, संथाली, डोंगरी और मैथिली, मैथिली भाषा जोड़ी गई, भाषा जोड़ी गई। देखो हमारे पास टोटल कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी, वर्तमान में इतनी 22। 14 भाषा है, इनको याद नहीं होती तो छोड़ देना, ये ध्यान रखना। 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी थी? सिंधी भाषा जोड़ी थी, 15वीं भाषा थी। 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था, इसमें तीन भाषा जोड़ी थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तीन भाषा जोड़ी थी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता 2003 के अंदर, इसमें चार भाषा जोड़ती हैं, जोड़ी जाती हैं, चार भाषा, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, चार भाषा जोड़ी गई थी इसमें। तो वर्तमान में हमारे पास कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, या भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपके पास, भारत में, भारत की कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 भाषाएं हैं भारत के अंदर, कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6। अगर नृत्य पूछे आपको कितने हैं? 8 नृत्य हैं और 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत के अंदर। ये कौन कौन सी हैं, ध्यान देना। नंबर 1 है तमिल, तमिल भाषा। दूसरी है आपकी संस्कृत भाषा, कौन सी है? संस्कृत भाषा। नंबर 3 है मलयालम, मलयालम भाषा। नंबर 4 पे है कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा।
और नंबर पांच पे अगर हम बात करें तेलुगु भाषा, कौन सी है? तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा। और नंबर छह पे बात करें ओडिया भाषा, ओडिया, ओडिया भाषा। ये क्या है? भाषा है, ध्यान देना। तो ठीक है, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, छह शास्त्रीय भाषा हैं वो कहाँ कहाँ। तमिल भाषा कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर बोली जाती है। वो कह सकते हो दो सबसे 2004 में बनी थी सबसे प्राचीन भाषा, ये सबसे प्राचीन भाषा, ध्यान देना, ये नोट भी करना ये बात। डी ग्रुप वाला का जो रेलवे डी ग्रुप है उसके अंदर 2004 भी आ रहा था, तमिलनाडु भी आप पूछ रहे सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? तमिल भाषा। ये तीनों चीज है क्वेश्चन बना बना के जो रेलवे डी ग्रुप के अभी एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पुट हो रहे थे। संस्कृत भाषा की बात करें, उत्तर भारत कह सकते हो आप, कहाँ पे बोली जाती है? उत्तर भारत के अंदर संस्कृत भाषा बोली जाती है। मलयालम की बात करते हैं, मलयालम जो भाषा बोली जाती है केरल राज्य के अंदर है, केरला भी कह सकते हो आप। कन्नड़ की बात करते हैं तो ये कहाँ पे बोली जाती है? कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक के अंदर बोली जाती है। तेलुगु भाषा की बात करते हैं, ये बोली जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद है ओडिया भाषा की बात करते हैं, ओडिया भाषा कहाँ पे बोली जाती है? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य के अंदर बोली जाती है, ध्यान रखना। जो इसकी जो सबसे नवीनतम भाषा भी कह सकते हो शास्त्रीय, सबसे नवीनतम जो भाषा है, नवीनतम भाषा कौन सी है? ओडिया भाषा है। इसको दर्जा दिया था 2013-14 के अंदर, ठीक है, और जबकि एग्जाम में माना था 2017 के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। जो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना तो वहां पर वो आपको 2013-14 मिलेगा, और जबकि एग्जाम के अंदर माना था 2017। भारत की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ओडिया है, और सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है 2004 में। ये आपको अच्छे से याद करना है, क्लियर, ये ध्यान देना आप अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। और अक्सर आप पढ़ते आए भी होंगे कि बचपन से जब फर्स्ट क्लास से और प्लस टू तक आपने एग्जाम हिंदी में पढ़ा है, तो भाई सिंपल ही बात है, व्याकरण आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्याकरण कहते किसे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं। आपको माइंड में चलना चाहिए किसी भाषा के, किसी भी कोई भाषा हो आपके सामने, उसके लिखने के ढंग को। अब लिखने के ढंग को तो हम बोलेंगे केवल लिपि, किसी भाषा के शुद्ध या अशुद्ध लिखने के ढंग को या तरीके को, किसी भाषा का शास्त्र को, किसी प्रकार के डेफिनेशन बन जाए, वही उसी प्रकार से आपको ध्यान देना है एग्जाम के अंदर कि ऑप्शन में किस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है। व्याकरण है वो हमारी जो भाषा है उसको शुद्ध और अशुद्ध के रूप के का ज्ञान करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ध्यान रखना। किसी भाषा के शुद्ध व अशुद्ध, किसी भाषा के शुद्ध व अशुद्ध का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आप जैसे किसी को बोलते हो, अपने बड़े व छोटे को बोलते हो तू शब्द बोलते हैं हम, तू इधर आ, तू ये खा ले, तू ये कर, ये हमारे उच्चारण की जो दृष्टि होती है उसका गलत प्रयोग किया जाता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको 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 बोलें आप इधर आओ, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आप कहाँ जाओगे, ठीक है, ये जो शब्द हैं शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कराते हैं। या आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, वाक्य लिख रहे हो, वहां पर आपने कुछ जैसे आपने लिखा कौन, कौन लिखा आपने यहां पर, ये तो बिल्कुल राइट है, जबकि हम बात करें कौन में इस प्रकार कर देते हैं कौन, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, तो यहां पर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, आवाज है, आवाज,
ये बिल्कुल सही है। हम बोलते हैं आवाज आ रही, आवाज, तो आवाज नहीं होती, वो क्या होती है, आवाज होती है। तो ये चीज होती है, हम किसी भाषा के लिखने जो हमें शुद्ध या अशुद्ध का जो ज्ञान करवाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। डस्टर कहाँ पे गया, डस्टर नीचे नीचे गिर गया। ठीक है, तो यहां पर यह चीज आपको अच्छे से नोट करनी है। कह सकते हो ना, किसी भाषा के शुद्ध व अशुद्ध का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम करते हैं लिपि, क्या कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, लिपि यहां पे देखो, किसी भाषा के लिखने लिखने वह बोलने के ढंग को, लिखने वह बोलने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं, जो अभी मैंने समझाया वही बात है, बस कुछ थोड़ा सा हिंट अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भाषा हो उसके लिखने और बोलने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब भाई साहब, ये मैंने आपको लिखा आवाज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा आवाज आ रही है, और हम देखो अक्सर अक्सर ऐसे ही बोलते हैं, आवाज आ रही है, आवाज नहीं होती, आवाज होती है। ये हमारा जो काम करेगा वो किस में करेगा, लिपि के अंदर करेगा, किस में करेगा, लिपि के अंदर। यहां पे देखो, इसने सिंपल बोला है, किसी भाषा के लिखने और बोलने के जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जबकि जो यही चीज का जो हमें शुद्ध और अशुद्ध का जो ज्ञान बता रहा है, भाई साहब ये तो अशुद्ध है और ये क्या है, शुद्ध है, इसको हम क्या बोल देंगे, व्याकरण कहते हैं। बस इतनी बात थोड़ा सा माइंड में घुसाना है। इसके अंदर बात वही है, ये चीज बता दी इसने कि गलत है ये सही है, तो क्या हो गया, व्याकरण। और ये दो तरीकों में बांट दिया तो क्या हो गई, लिपि हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिपि। देखो, सबसे जो प्राचीन लिपि की बात करते हैं, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी, आपको पता होना चाहिए कौन सी है, ब्राह्मी लिपि, जो भी मैंने बताई थी, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। और इसका जो विकास है वो किसने किया था, आर्य लोगों ने किया था, आर्य लोगों के द्वारा किया गया था, आर्य लोग। इसका जो विकास किया था वो किसने किया था, आर्य लोगों के द्वारा इसका विकास किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अन्य लिपियों की बात करते हैं हम। ठीक है, नंबर एक की बात करते हैं, आपसे पूछेगा हिंदी की लिपि का नाम क्या है, हिंदी की लिपि, यहां पे ध्यान देना, हिंदी की लिपि। ठीक है, यहां पर स्टार बना के मैं लिख रहा हूं, हिंदी की लिपि कौन सी, आपको सभी को पता है, देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। फिर आपसे पूछेगा संस्कृत की लिपि कौन सी है, संस्कृत की लिपि, और संस्कृत की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी है। फिर आपसे पूछेगा नेपाली की लिपि कौन सी है, नेपाली, नेपाली की लिपि भी कौन सी है, जी देवनागरी है। उसके बाद पूछेगा आपको गुजराती की लिपि कौन सी है, गुजराती की, जो गुजराती भाषा बोलते हो ना आप, उसकी भी लिपि कौन सी है, देवनागरी है। जी गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, मराठी की नहीं। उसके बाद करो हम बात करते हैं अंग्रेजी की लिपि, अंग्रेजी की तो सभी को पता होगा आपको, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन, कौन सी है, रोमन है, ध्यान देना। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाबी की लिपि का क्या नाम है, पंजाबी की जो लिपि है भाई उसका नाम है, पंजाबी की कौन सी है, गुरुमुखी, कौन सी है, गुरुमुखी, पंजाबी की लिपि का क्या नाम है, गुरुमुखी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आगे नोट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इस साइड में, अगर आपसे पूछे मराठी की लिपि, मराठी की लिपि, मराठी की लिपि का क्या नाम है, देवनागरी, क्या नाम है, देवनागरी, मराठी की लिपि का नाम देवनागरी है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई उर्दू की लिपि, उर्दू, अरबी, फारसी, उर्दू की लिपि का नाम है फारसी, फारसी, उर्दू, अरबी, अरबी की लिपि का भी क्या नाम है, फारसी है। और भाई फारसी की लिपि का नाम है, फारसी की लिपि का नाम क्या है,
फारसी की लिपि का नाम भी क्या है, फारसी। यहां पे जो लिपियां हैं मैंने लिख दी अन्य लिपियां, ठीक है, अन्य लिपियां ध्यान देना, ठीक है। हिंदी की लिपि का क्या नाम है, देवनागरी है। संस्कृत की लिपि का नाम देवनागरी है। मराठी की लिपि का भी देवनागरी है। गुजराती की लिपि का देवनागरी है। और नेपाली की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि है रोमन है। पंजाबी की जो लिपि है वो कौन सी, गुरुमुखी है। उर्दू, अरबी, फारसी, तीनों की लिपियों का क्या नाम है, फारसी है। यहाँ तक ये बात आपने नोट कर ली होगी अच्छे से। उसके बाद भाई हम आगे बात करते हैं थोड़ा, आपने एक चीज पढ़ती होंगी आप, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है ना। यहां पर दोनों चीज थोड़ा अक्सर समझ लेना आप, दोनों चीज देखो। एक आपके एग्जाम में आता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। देखो राष्ट्रीय हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है जी। क्यों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, राजभाषा का, ध्यान देना यहाँ पे क्या दिया था, राजभाषा, जो मैंने आपको भी पीछे लिखवाया पूरा डाटा इसका। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी की जो भारत की जो राजभाषा को कौन सी, किसको दर्जा दिया था, हिंदी है। भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। न की ध्यान देना, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, क्या है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए 14 सितंबर को क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं राजभाषा के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपसे पूछेगा विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस आपसे ये पूछेगा, जो विश्व हिंदी दिवस है ना वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 से 12 जनवरी 1975 में ना एक सम्मेलन होता है, क्या होता है, सम्मेलन होता है जी। सम्मेलन कहाँ पे होता है, नागपुर, नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, जिसके कारण इस सम्मेलन कारण 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना। और ये क्या था, प्रथम सम्मेलन था, ये भी ध्यान रखना। विश्व हिंदी दिवस का जो प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, कब हुआ था, 1975 में। और अभी हाल ही में जो 12वां सम्मेलन हुआ है, 12वां सम्मेलन हिंदी का 2022 के अंदर हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, होना चाहिए था ये देवास, देवास मध्य प्रदेश में होना था, ये कोविड की वजह से इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और कहाँ पे किया गया, ये किया गया था मॉरीशस के अंदर, कहाँ पे किया, मॉरीशस के अंदर किया गया, ध्यान देना, ठीक है ना। 12वां कहाँ पे किया गया है, मॉरीशस के अंदर। तो दोस्तों ये आपके सामने क्या था, हिंदी का एक पढ़ाव पढ़ा था। अभी तो यहाँ से जो अगली क्लास होगी वो आपकी होगी भाषा, आपने पढ़ा होगा ना बचपन में भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के आपने दो रूप पढ़े होंगे, मौखिक और लिखित।